इतनी टेस्टी चाउमीन बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं, है ना? इसको घर में ट्राई करना तो जरूर बनता है। सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमस किचन को और बेल बटन में जरूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ श्रीतमा और आप सभी को मेरी किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे चाउमीन बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चाउमीन बनाने के लिए हमने लिए है हक्का नूडल्स। आप चाहे तो कोई भी टाइप के नूडल्स ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको उबाल लेंगे। तो इसके लिए हमने लगभग 2 लीटर के आसपास पानी को उबाल लिए हैं। थोड़े से ज्यादा पानी लेना है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और ये चाउमीन को हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसको हम नहीं तोड़ के डालेंगे, आप चाहे तो इसको तोड़ के डाल सकते हैं। अब हम इसको हाई फ्लेम में 80-90% बॉयल कर लेंगे। 3-4 मिनट के बाद ये देखिए, ये नूडल्स को हमने 80-90% पका लिए हैं। इससे ज़्यादा इसको और ना पकाए ताकि इसके टेक्सचर स्टिकी और बहुत ही सॉफ्ट ना बने। अब हम इसको फटाफट छान लेते हैं। इसको हमने छान कर एक छल्ली में रख दिए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे हमें ये नूडल्स को बॉयल कर लेना है। अब हम इसको थोड़े से ठंड पानी से धो लेते हैं ताकि इससे एक्स्ट्रा स्टार्च पूरी तरह से निकल जाए। और यहाँ पे हम लगाएंगे बिल्कुल थोड़े से तेल ताकि ये नूडल्स एक दूसरे से ना चिपके और नूडल्स बने एकदम खिले खिले, बिल्कुल बाजार जैसे। इसको अब हम साइड में रख देते हैं। तो अब चलिए चाउमीन के लिए वेजिटेबल्स और मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक कढ़ाई में लेना है 2 चम्मच तेल। तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए यहाँ पे डालना है 2 बारीकी से कटी हुई प्याज। प्याज को दोस्तों हमें बिल्कुल कुछ सेकेंड्स के लिए सॉटे कर लेना है। कुछ सेकेंड्स इसको फ्राई करने के बाद अब हम ये तेल में डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच बारीकी से कटी हुई लहसुन। हमने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ को बारीक चॉप कर लिए हैं और इसको हम बिल्कुल थोड़े से कुछ सेकेंड्स ऐसे चलाएंगे। साथ में यहाँ पे डाल देना है 2 कुटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप जितना खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से डालें। अब हम इन तीनों को कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेते हैं। इसको हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। कुछ सेकेंड्स हमने इसको थोड़े से सॉटे कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे चाउमीन के वेजेस। ये हमने लिए है 1/2 गाजर और इसको हमने एकदम लंबे लंबे पतले पतले टुकड़ों में काट लिए हैं। इसके बाद आते हैं 1/2 शिमला मिर्च, हरा शिमला मिर्च, लाल वाला और पीला वाला कैप्सिकम को भी हमने लिए हैं जो पूरी तरह से ऑप्शनल है, और लिए हैं थोड़े से बारीकी से कटे हुए बंद गोभी। इसमें से सबसे पहले गाजर और बंद गोभी को हम डाल देंगे और इसको हमें कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसे सॉटे कर लेना है। सब्जियों को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि सब्जियों में हमें क्रंचीनेस बरकरार रखना है। कुछ सेकेंड्स के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे हरा शिमला मिर्च और साथ में लाल और पीला शिमला मिर्च को। इसको हमें बिल्कुल थोड़े से पकाना है और सब्जियों को हमें हाई फ्लेम में ही पकाना है। स्वाद के अनुसार हम यहाँ पे नमक डालेंगे। सॉसेस में नमक होते हैं और चाउमीन को बॉयल करते वक्त हमने नमक डाले थे, तो इसलिए नमक हिसाब से दें। 1 मिनट के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच सोया सॉस। साथ में हम यहाँ पे डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। इसके साथ जाएगा 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब हम यहाँ पे डालेंगे ये हमारा बॉयल किए हुए नूडल्स को। नूडल्स को डालते ही इसको हमें अच्छे से मसालों के साथ मिलाना है। थोड़े से चलाने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच चीनी और 1 छोटा चम्मच विनेगर। चीनी यहाँ पे ऑप्शनल है। नूडल्स को मसाला और वेजिस के साथ अच्छे से मिला दिए हैं।
और ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और चटकदार। यहाँ पे हम डालेंगे एक स्पेशल चाउमीन मसाला, इसको हमने दोस्तों घर में बनाया है। बिल्कुल थोड़े से सौंफ, थोड़े से धनिया, थोड़े से जीरा और उसके साथ दो तीन खड़े गरम मसाला को हमने कढ़ाई में थोड़े से ड्राई रोस्ट करके रखे थे और इसको हमने एकदम मिक्सी में पीस लिए हैं। और ये स्पेशल चाउमीन मसाला डालने के बाद ये चाउमीन बन जाएगा दूसरे से बहुत ही अलग। तो इतना टेस्टी चाउमीन देखकर आपके मुंह में तो पानी आ ही गया होगा। बच्चों को तो चाउमीन बहुत ही पसंद है, खासकर अगर ऐसी तरह से चाउमीन आप उनके लिए घर में बनाए तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा। इसको बनाने के बाद मेरे घर में ये झटपट फिनिश हो गया। तो दोस्तों देर किस बात की, झटपट 10 मिनट के अंदर अंदर ये स्पाइसी और टेस्टी चाउमीन को आप बना ही लीजिए और मुझे बताइए आपको कौन सी बेहतर लगती है, बाजार के या घर की बनाई हुई चाउमीन को। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी के नीचे लाइक के बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए और मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ और तब तक के लिए मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।